आपने 2021 में शुरू किया और लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर भी आप गूगल सर्च की तरफ देख भी नहीं रहे हो और डायरेक्ट ट्रैफिक लेके आप कर रहे हो। तो जिस तरीके से आपने शुरू किया था टेलीग्राम के थ्रू, तो क्या वही स्ट्रैटेजी आज भी कर रहे हो? हाँ, वो स्ट्रैटेजी अभी तक तो चलती है कि वो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक बार जो ऑडियंस है जिनको ज़रूरत है आपकी वेबसाइट डेली देखने का, अगर आप उनको एक जगह इकट्ठा कर लोगे, जैसे फिर जैसे व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, इंस्टाग्राम के पेजेस हो गए, पुश नोटिफिकेशन हो गया, हाँ पुश नोटिफिकेशन हो गया, तो वो बहुत सारे वैसे प्लेटफॉर्म होते हैं कि वहाँ से आपका जो ट्रैफिक है, आप सोशल ट्रैफिक, तो वहाँ से आप दे सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ट्रैफिक भी उसको बोल सकते हो और अपडेट से आप बच जाओगे। हाँ, अपडेट का तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता है, गूगल अपडेट से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। गाइस देखो यार, हर चीज का तोड़ आपको बात पता है कहाँ मिलेगा, बस सतीश के वीडियो चैनल पे मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। अब हमें बताइए कि प्रोसेस क्या है आपका काम करने का, नए लोग भी देख रहे हैं या जो लोग पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है ट्रैफिक कैसे लाएं, तो आप जरा बताइए कि आप क्या मेथड से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताइए। प्रोसेस तो एकदम ईजी है, बट उसमें थोड़ा मेरा अलग प्रोसेस है। जैसे कि मैं सोशल ट्रैफिक यूज़ करता हूँ, तो स्टार्टिंग से जो भी कुछ टेलीग्राम पेजेस या फिर व्हाट्सअप ग्रुप जो भी जिनके पास होता है, वहाँ से आप अगर प्रमोशन स्टार्ट करोगे, अगर आपके पास पैसा है तो, अगर नहीं है तो आप कीवर्ड सर्च करके ऑर्गेनिक भी आप खुद बनाकर भी जा सकते हो। जैसे कि जो भी मेरे बड़े भाई है उन्होंने पूरा ऑर्गेनिकली ही काम किया है, बट उनके पास भी 250+ व्हाट्सअप ग्रुप हो चुके हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक काम करके भी। और मेरा ऐसा, मैंने सोशल जो है तो पेड पे स्टार्ट किया था, पेड प्रमोशन करके, तो मेरा भी 200+ व्हाट्सअप ग्रुप अभी इजीली फुल हो चुका है। तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, जो भी, अगर पैसा है तो पेड करो, अगर नहीं है तो ऑर्गेनिकली काम। तो जो 200 आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, खुद से बनाया है? खुद से बनाया है सारे। तो भाई इतने, मान लो अगर शुरुआत आपने जब किया होगा तो धीरे धीरे करके ही बना होगा, एकदम से 200 आपके पास हुए नहीं रहेंगे, है ना? या फिर अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो दूसरे ऑलरेडी जिनके ग्रुप्स हैं या जिनके चैनल्स हैं उन पे हम प्रमोट करवा सकते हैं। यस, वहाँ से प्रमोट करो अपने वेबसाइट पे, बटनाइजर प्लगइन या फिर व्हाट्सएप का लिंक वगैरह देखे, वहाँ से आप सीधा आपके वेबसाइट पे ज्वाइन करा। तो अब मुझे ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि जैसे आप आर्टिकल बनाते हो, फिर उसको कैसे शेयर करते हो, तो वो सब थोड़ा बताओ। जैसे कि अपन मॉर्निंग को एक बार उठ गए समझो, हाँ, तो उस टाइम अपन सारे दिन भर के एक चीज क्लियर कर लेते हैं, किस निश पे हम करते हैं काम। हाँ, अपने जो निश है तो जॉब निश है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सारा जॉब अपन एक साथ कंबाइन कर लेते। ओके भाई, आपने निश का बता दिया कि जॉब निश पे करते हो, कौन से लैंग्वेज में करते हो आप? इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, और भी कोई? नहीं है, स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया। डोमेन तो फर्स्ट मराठी में बाय किया था, बट उस पर 2 दिन काम करके स्टॉप कर दिया, बाद में नीच चेंज कर दिया और लैंग्वेज भी चेंज कर दिया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही काम करता हूँ अभी तक। बढ़िया। तो उसमें जैसे कि अपन क्या करते हैं, एक बार सुबह उठे या फिर कभी भी जब अपने को टाइम मिलता है, 4-5 आर्टिकल बना देना है, पब्लिश कर देना, ठीक है, और दिन भर अपना 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के गैप से व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल शेयर कर देना है, जो भी अपने व्हाट्सएप 200 ग्रुप में शेयर कर देना है, और जो भी वहाँ पे शेयर करते हैं तो उसमें जो भी ऑडियंस है हर ग्रुप में 800+, वो ऑडियंस वहाँ पे जाके चेक करती है, क्योंकि वो उनको ज़रूरत है, जो भी ऑडियंस है उनको डेली वो वेबसाइट देखना ही देखना है, तो वो सीधा वो भी क्यों झंझट करेंगे, गूगल पे 1000 कंपनी है, सारा सर्च करके तो नहीं देखेंगे, तो अपना वेबसाइट का लिंक उनको फ्री में मिल जाता है, वो जाके चेक कर लेते हैं। वही प्रोसेस है, एकदम ईजी। बढ़िया।